नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 20 प्रस्ताव बैठक में किए गए थे पेश। 57 जिलों में साइबर थानों को मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा में बायर्स को मिलेंगे 3 लाख से ज्यादा बायर्स को फ्लैट मिलेंगे। कई सालों से परेशान चल रहे थे जो बायर्स, उनके लिए खुशखबरी है, बड़ी सौगात है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा, ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सोमोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को, कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो ये था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया। नेक्स्ट, ये उद्यान विभाग का था और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भारत सरकार की, ये भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में, खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है जहाँ पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खास तौर से वन विभाग की जमीन पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। इसमें 200 मीटर तक वर्ग मीटर तक जो टावर लगाने के लिए, देश में मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु संतृप्ति हेतु सरकार की योजना के क्रियान्वयन के प्रदेश में विभिन्न जनपदों के चिन्हित 361 गांव को परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर का निर्माण किए जाने के लिए 200 वर्ग मीटर ग्राम सभा की भूमि जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के हेतु